हेलो एवरीवन, आई एम वरु राणा। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाकी जितने भी बैंकिंग एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए ये नया साल कुछ लोगों के लिए बहुत ही खुशी लेके आया होगा, कुछ के लिए थोड़ी मायूसी भी लेके आया होगा। मेरा खुद आज RRBP और क्लैरिकल का रिज़ल्ट आया है तो मुझे बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। सबसे पहले तो ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने रिज़ल्ट की बात कर लूँगी। ये मेरा मेंस के मैंने उत्तर प्रदेश से अपना फॉर्म फिलअप किया था और ये मेरा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं 2019 से ट्राई कर रही हूँ बैंकिंग सेक्टर में, बट मेरा कभी भी RRB का प्री भी क्लियर नहीं हुआ है इससे पहले। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरे दोनों प्री क्लियर हुए हैं। उसके बाद मैं दोनों मेंस तक पहुँची हूँ और फिर मेंस के बाद मैंने PO का इंटरव्यू भी दिया था। तो सबसे पहले तो RRBPO की बात करते हैं। RRBPO में मेरा सिलेक्शन, मेरे मार्क्स हैं 52.65, जबकि कट ऑफ जो है वो गई है 53.5। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मुझे रिज़र्व लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो मतलब उसका रिज़ल्ट हमें 31 दिसंबर तक जाके ही पता चलेगा। बाकी रही बात IBPS RRB क्लर्क की, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे प्रथमा UP बैंक मिला है जिसकी मतलब कट ऑफ 64.72 गई है और मेरे मार्क्स हैं 68.22। तो इसमें मतलब मेरा रीजनिंग में मुझे 37.5 मिला है जबकि उसकी कट ऑफ 19.5 है। कंप्यूटर में मुझे 22.25 मिला है जिसकी कट ऑफ 9.5 है। GA में मुझे 13.5 मिला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मुझे 24.75 मिला है जिसकी कट ऑफ 12.5 गई है और इंग्लिश में मुझे 34 मिला है। तो इस तरह से मेरा टोटल स्कोर बना है 136.44 आउट ऑफ 200। और जब हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 68.22 मिलता है। तो इसलिए मतलब मेरा हुआ है प्रथमा बैंक में। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं थैंक यू, मतलब हमेशा मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है और उनमें ही मतलब नितिन का निरीक्षण, पता नहीं आप लोग वीडियोस देखते हैं उनकी या नहीं, नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखो क्योंकि उनकी भी वीडियोज़ देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। तो उनको भी मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी, नितिन सिंह को। बाकी जिन लोगों का आज रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, मुझे खुद थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा PO हो जाएगा, बट लेट्स सी रिज़र्व लिस्ट में क्या होता है। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोग को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मायूस मत होइए। अभी बहुत लोगों का कल को SBI PO का मेंस होगा, आगे आने वाले टाइम में IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों ही बचे हुए हैं जिनके अभी तक प्री के भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो आप उसके लिए होपफुल रहिए। मैं बस यही कहूँगी कि कभी भी हिम्मत मत हारिए क्योंकि अगर मेरा हो सकता है, मतलब मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ और मेरा हमेशा 0.5, 0.25 ऐसे ही मेरे वो रहे हैं, तो अगर मैं तब छोड़ देती तो शायद आज मेरे पास ये जॉब नहीं होती। मैं बस यही चाहूँगी कि आप लोग दुखी मत होइए, मायूस मत होइए और अपना ट्राई करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी आज न्यू ईयर है तो अपना अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए आज, और बाकी कल से अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए ताकि आपको इस साल में आपको जॉब मिल जाए। बाकी तब तक के, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।